ब्रेक और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। सिंधेवाई में गढ़ विकास अधिकारी ने किया वैद्यकीय महिला अधिकारी का विनय भंग। महिला अधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाकर विनय भंग करते हुए उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की बात कहते हुए महिला अधिकारी ने पुलिस स्टेशन में गढ़ विकास अधिकारी के खिलाफ की है शिकायत दर्ज। 1 मई से होगी कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत, और मरीजों को खून की आवश्यकता देखते हुए तथा ब्लड बैंक में खून की कमी होने से टीका लगाने से पूर्व रक्तदान करने का जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने किया है आह्वान। सैनिटाइजर पीने से एक और व्यक्ति की हुई है मौत। वनी में इससे पहले भी शराब की लत लगे 7 व्यक्तियों की सैनिटाइजर पीने से हुई थी मृत्यु। अब एक और व्यक्ति की मृत्यु होने से सैनिटाइजर पीकर मरने वालों की संख्या पहुंची है 8 पर। बीते दिनों वायरल हुआ एक वीडियो जिसमें दीक्षा भूमि द्वारा ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के लिए 120 करोड़ रुपए देने का विषय खूब सुर्खियों में रहा, किंतु ये खबर फेक होने की सूत्रों द्वारा मिली है जानकारी। इन दिनों कोरोना के साथ साथ अफवाहों का दौर भी जारी है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। कल ये खबर सीटीवी द्वारा भी प्रसारित की गई थी, जिसके लिए हमें खेद है। शिवाजी वार्ड में रहने वाले 20 वर्षीय युवक गणेश हीरा देवे ने अपने घर में फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, किंतु शरीर पर बड़ी मात्रा में घाव होने तथा खून ज्यादा बहने पर ये हत्या है या आत्महत्या, इसका अब तक नहीं चल पाया है पता। वहीं इस मामले की बरोड़ा पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में शुरू है जाँच। ठाकरे वाड़ी अपार्टमेंट डुप्लेक्स बंगलो की एक कल्पना है जो साकार कर रही है ठाकरे बिल्डर्स। चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरे वाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलिशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरे बाड़ी में जो एक क्लब हाउस है उसमें आउटडोर की गेम्स के अलावा इंडोर गेम। ठाकरे बाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ज्येष्ठ कांग्रेस नेता तथा पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ का कोरोना से हुआ दुखद निधन। एकनाथ गायकवाड़ ये चंद्रपुर जिले के पूर्व पालक मंत्री रह चुके हैं तथा राज्य के शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ के पिता हैं। कोरोना संक्रमित होने पर उपचार के दौरान आज रात उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही हर तरफ शोक व्यक्त किया जा रहा है। कोरोना काल में कुछ जगहों पर खुद की जान जोखिम में डालकर डॉक्टर तथा स्टाफ कर रहे हैं मरीजों का इलाज, तो वहीं कुछ जगह ऐसा भी है जहां मानवता को भूलकर मरीजों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ऐसा ही एक मामला सामने आया है माडुरवार सिटी स्कैन सेंटर में। रुग्ण की लूट होने की खबर मिलते ही युवा सेना ने पहुंचकर डॉक्टर से सवाल किए, जिसके बाद एक रुग्ण ने सिटी स्कैन के लिए 10,000 लेने पर अपनी गलती मानते हुए डॉक्टर ने रुग्ण को 5,000 लौटाया। कोरपना के कोड़छी गांव में कोरोना मरीजों का अन्य लोगों द्वारा किया जा रहा है बहिष्कार। पॉजिटिव रोगियों से अछूता जैसा व्यवहार करते हुए खाना पानी या अन्य आवश्यक वस्तुएं उन तक पहुंचाने में गांव वालों ने पीछे कर दिए हैं अपने हाथ। कोरोना के डर से लोग तो मर ही रहे हैं, साथ ही जिंदा लोगों में मानवता भी मरते आ रही है नजर, जिसके बाद अब प्रशासन को इस गांव की ओर ध्यान देने की है जरूरत। राजूरा के बिरूर पुलिस स्टेशन हद में अवैध शराब व्यवसायियों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में 5 जगह कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इस मुहिम में छापा मारते हुए कुल 7,21,700 का मुद्देमाल किया गया जब्त। रायपुर के कबीरनगर थाना क्षेत्र में 10 किलो गांजा किया गया जब्त। मध्य प्रदेश के रहने वाले 26 वर्षीय रंजीत सिंह के पास से कबीरनगर में ये गांजा पकड़ा गया, जिसकी कुल कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू है। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट, मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।